तो फेल की फैमिली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है होराइजन जीरो डॉन के 15th और सेकंड लास्ट एपिसोड में। तो ये सीरीज का 15th एपिसोड है और ऑलमोस्ट एंड के बहुत ही ज्यादा करीब है हम लोग। तो इनकेस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस किया है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपने जो भी मिस करा है फटाफट करके उनको देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में एलॉय को हेडीज का पूरा प्लान पता चल गया है कि ये हेडीज उन्हीं रोबोट्स को फिर से एक्टिवेट करना चाह रहा है जिन्होंने ओल्ड वंस की पूरी सभ्यता खत्म की थी। और इसलिए हेडीज ने रोबोट्स की आर्मी और एक्लिप्स आर्मी को जमा किया है ताकि मेरिडियन का जो एक शहर है स्पायर उस पे जाके वो कब्जा कर सके और वहाँ से इन कोड्स को एक्टिवेट करके वो ओल्ड वंस के रोबोट्स को जिंदा कर पाए। और क्योंकि एलॉय अकेले पूरी आर्मी को नहीं रोक सकती इसलिए उसे मेरिडियन के राजा अवार्ड से बात करनी है ताकि वो भी अपनी आर्मी एलॉय को दे दे उसकी मदद करने के लिए। लास्ट एपिसोड में हमें ये भी पता चला कि एरेंड की बहन अर्सा जिसको उसी के ट्राइब के एक सेनापति जिसका नाम डरवाल है उसने किडनैप कर लिया है और ये अवार्ड अर्सा से प्यार करता है। तो इसने एलॉय को बोला है कि एक बार तुम अर्सा को बचा के लेते हो उसके बाद फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो अभी डरवाल के कैंप पे एलॉय और एरेंड आए हुए और बस अर्सा को जाके बचा लेना है फिर ये जो फाइनल मिशन है उसके बारे में अवार्ड से बात करेंगे। तो फेल आर्मी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है इसलिए आज बहुत सारे साइड मिशन भी हम लोग कर लेंगे ताकि मेरा लेवल लास्ट मिशन से पहले कम से कम 30 तो हो ही जाए। और जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है फाइनल एपिसोड कल आके मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ। और आज जब मैंने सुना है कि सब्सक्राइब करने के लिए ना बहुत अच्छा दिन है तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, स्टार्ट किया जाए। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि मेरा लेवल ऑलमोस्ट 27 तो हो ही गया है लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहा है ना एक और लेवल बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा लास्ट एपिसोड में देखा था ना इनके पास कोई ऐसा सोनिक वेपन है जिससे ऐसा साउंड निकलता है कि आदमी पैरालाइज हो जाता है। तो अभी तो कान में एलॉय ने एक ठेप्पी लगा ली है जिससे इसको ये आवाज नहीं सुनाई देगी। ठीक है अर्सा। Aaron? Derval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Derval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen. Derval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother. Ursa. No, no. Please. I won't let you down. I promise. ये डबल बुरा लगा एरेंड के लिए क्योंकि दोबारा इसको जिंदा मिल गई इसकी बहन और अपनी बहन को सामने मरते हुए देख लिया। एरेंड, I'm so sorry. We've got to find Derval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. तो अर्सा ने मरने से पहले एरेंड को बोला कि ये डरवाल मुझे पीट के या मुझे टॉर्चर करके मुझसे उगलवाना चाह रहा था मेरिडियन के बारे में पर मैंने उसको ऑब्वियसली कुछ नहीं बताया, इससे समझ में आता है कि वो मुझे जानता ही नहीं है। और एरेंड बोलने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम मुझे ले क्यों नहीं गए यहाँ? ठीक है मैं बहुत पीता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे काम ही आता। तो अर्सा ने बोला कि नहीं बेवकूफ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डरवाल ने मैसेज भेजा था कि वो समझौता करना चाहता है और मैं पक्का जान रही थी कि ये उसकी एक चाल है और वो मुझ पे हमला करेगा और मुझे लग रहा था कि मैं उस हमले से बाहर निकल जाऊंगी और मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हें चोट लगे। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि डरवाल का जाल इतना बड़ा होगा और मैं उस जाल से निकल नहीं पाऊंगी। और अर्सा ने बोला कि तुम्हारे राजा को तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम्हें अब जल्दी बड़ा होना होगा, बचपना छोड़ो अब। और अर्सा ने एक और बहुत जरूरी बात बताई कि डरवाल मेरिडियन पे अटैक करने की सोच रहा है और उसने बोला कि अवार्ड को मैं दिखाऊंगा कि उसका राज्य कैसे जल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसा क्लू ढूंढना है जिससे ये पता चले कि डरवाल मेरिडियन की किस जगह पर है।
This machine's been picked apart with precision. ये डरवाल मशीनी रोबोट्स को तोड़ के अपने लिए हथियार बनाता है। खतरनाक आदमी है ये। डरवाल's records maybe. तो पहली बात तो ये कि डरवाल ने यहाँ जहाँ अरसा को कैद करके रखा हो तो वहाँ पे अपना नोट्स क्यों रखा है? उसको भी चेक करना है, इस मशीन को भी चेक करना है। What's Derval learned from all his tinkering? Do I even want to know? तो एलॉय भी घबरा रही कि इस मशीन में छेड़छाड़ करके पता नहीं क्या डरवाल को पता चला होगा। और अब इस रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। Just notes about crafting and a letter tucked between the pages. Lots of blaze headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Derval too. तो यहाँ पर जो नोट रखा हुआ था उससे पता चला है कि वो जो ब्लेज नहीं है, जो हरा वाला तेल है। तो नोट के हिसाब से ऐसा बहुत सारा ब्लेज का कंटेनर डरवाल ने मेरिडियन में भिजवाया है। तो अगर ये कंटेनर्स मिल गए तो डरवाल भी मिल जाएगा। I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. तो अभी अपने को फिर से मेरिडियन के पैलेस में जाना है और अवार्ड को बताना है कि डरवाल मेरिडियन ही में है और यहाँ पर बहुत सारा ब्लेज का कंटेनर भिजवाया है। तो ये चीज ढूंढना है और एरन भी आएगा। उसने बोला कि अभी मैं अपनी बहन को लेकर आ रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर तुम जाओ। अच्छा ये याद है ना कि ये डरवाल इन्हीं के ट्राइब का है, यानी कि एरन और अरसा के कबीले का है। और इसके बारे में ना कल मैंने पढ़ा था कि ये मतलब ऐसा दुश्मन क्यों बन गया है एरन और अरसा का। तो उसके पीछे ये रीजन है कि जो अवार्ड का बाप था, जो पागल राजा था, वो बाकी सब ट्राइब पे बहुत ज्यादा जुल्म करता था और ये एरन के ट्राइब पे भी बहुत ज्यादा जुल्म किया था। तो भले ही अब जो मेरिडियन का नया राजा है उसका बेटा अवार्ड, और इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो कि ये अपने बाप की तरह नहीं बल्कि अपने बाप को भी इसने खुद ही मारा उसका जुल्म खत्म करने के लिए, लेकिन ये डरवाल अभी भी मेरिडियन से बदला लेना चाहता है कि उसके ट्राइब पे इतना जो जुल्म हुआ था तो इस चीज का बदला लेना चाहता है। और उसे ये बात पसंद नहीं है कि एरन के ट्राइब ने इनसे दोस्ती क्यों कर ली, ये लोग अपने दुश्मन है। और इसलिए उसने अरसा को किडनैप करवाया था ताकि वो मेरिडियन के राज जान पाए। और अभी वो मेरिडियन पे ये जो ब्लेज भिजवाया है उसने, पक्का कुछ आग वाग लगाने वाला है महल में, तो वही जाके राजा को बताना है। एक तो ये इतना बड़ा ब्रिज है ना भाई, वहां पर कोई शॉर्टकट भी नहीं है जाने का। चलो सेकेंड लास्ट एपिसोड है, सह लेंगे थोड़ा। कल तो इसका फाइनल एपिसोड आ ही जाएगा डेफिनेटली। अच्छा ये सब चीज मैं वीडियो में एडिट करके हटा सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि जो देखना चाहता है ना यहाँ से वहां तक जाने में, क्योंकि इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट है ये भी आप देख लोगे। और अगर जिसको नहीं देखना है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, आगे क्या ऑप्शन तो दिया ही है। अच्छा इस मिशन का नाम देख रहे हो, द सन शाल फॉल, सूरज डूबेगा या सूरज गिरेगा, जो भी है ये डरवाल यहाँ पे आग लगाने वाला है मेरिडियन में और अंधकार करवाना चाह रहा है। चलो उसका मकसद तो पूरा नहीं होगा, एलॉय है ना यहाँ पर। I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your clan need for her arrangements, you need but ask. There'll be time for all of that later. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Derval. The name was Aeland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. Used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Erend didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course.
But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? तो अवार्ड एरेंट को बोल रहे थे कि अरसा के फ्यूनरल के लिए तुम बस इंतजाम करो और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तुम बस बोल देना, वो चीज तुम्हें मिल जाएगा। और अवार्ड एलॉय और बाकी सबको बोल रहे थे कि हमें जब पता चला कि अरसा जिंदा है तो हमारी एक उम्मीद जाग गई, हमें अच्छा लगने लगा, लेकिन जैसी वो मिली उसकी मौत हो गई, तो ये हमारी कितनी बदकिस्मती है। तो एरेंट ने बोले कि मेरी बहन नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करें बातें करके, क्योंकि डरवाल आ रहा है, हमें तैयार होना होगा। और उसने एलॉय को बोला कि बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। तो एलॉय ने बताया कि बहुत सारे ब्लेज के कंटेनर्स यहाँ मेरिडियन में भेजे गए, पर प्रॉब्लम ये कि ये जो ब्लेज के कंटेनर्स यहाँ पर भेजे गए ना, वो डरवाल के नाम पे नहीं बल्कि किसी फौजमैन के नाम पे भेजे गए। तो इस नाम के बारे में आप लोग कुछ जानते हो क्या? तो ब्लेमलेस मराड ने बताया कि हाँ, एक जमींदार है जिसका घर यहीं पास ही में है, तो हो सकता है कि डरवाल ये नकली नाम बना के वहीं पर हो। तो एरेन गुस्से में इस घर पे जा रहा था चेक करने कि डरवाल है या नहीं, और हो सकता है कि मिलते के साथ उसको मार देता। इसलिए मराड ने बोला कि देखो, हम लोग जान रहे हैं कि तुम उसको मिलते के साथ मारना चाहते हो, जो कि जायज भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम्हारे पास मौका रहेगा तो तुम उसको जिंदा पकड़ लेना। लेकिन एरेन मना कर रहा था, तो फिर राजा अवार्ड ने बोला कि एरेन बात को समझो कि अगर हमें शांति बना के रखनी है तो जब अगर किसी को जिंदा पकड़ सकते हो तो उसको पकड़ लो। इसलिए अवार्ड ने हुक्म दे दिया कि अगर डरवाल को जिंदा पकड़ सको तो पकड़ लेना। और सबको भेजकर अवार्ड एलॉय से बात करने लगे, और इन्होंने बताया कि एरेंट से जब मैंने उसकी बहन की मौत के बारे में पूछा तो वो इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था, और मैं समझ गया कि वो हाँ ठीक है, उसकी बहन है तो वो कैसे डिस्कस करेगा। पर अब मैं ये सोच के तड़पे जा रहा हूं कि अरसा का फाइनल मोमेंट कैसा था, तो तुम मुझे बता सकती हो क्या? तो याद है ना, अवार्ड अरसा से प्यार करता था, और जाते टाइम अरसा ने अवार्ड के बारे में बोला था कि तुम्हारे राजा को तुम्हारी जरूरत है, एरेंट को। तो इसको मैं बोल देता हूं कि तुम्हारे बारे में भी वो सोच रही थी जाते टाइम। She wasn't worried about her pain. She was worried about her brother. And she was worried about you. Thank you, Aloy. I suppose I needed to know I was as much on her mind as she is on mine. Find Derval and bring him before me. He will answer for his crimes. I will. But once this threat to Meridian is dealt with, another one looms. We have to talk about the eclipse. We will. I promise. तो ये अवार्ड का जो बाप था, उसकी जितनी उल्टी कहानी सुनी है अभी तक, कि वो लोगों को जला देता था और निर्दोषों को मारते रहता था बिना सोचे समझे, उसका जस्ट ये उल्टा है। बहुत ही अच्छा है, देख रहे हो, इसको थोड़ी सी अच्छी बात बता दी एलॉय ने कि अरसा की जब मौत हो रही थी तो उसे अपने दर्द का एहसास नहीं था, वो अपने भाई के बारे में केयर कर रही थी और तुमको भी याद कर रही थी। तो ये सुन के अवार्ड बहुत खुश हो गया, बोला कि मैं बस यही सुनना चाहता था कि मेरे दिमाग में अरसा चलते रहती है, तो उसके फाइनल मोमेंट्स में मैं भी उसके ख्याल में था या नहीं। और अवार्ड ने आगे बोला कि डरवाल को पकड़ के रहो, उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। तो एलॉय ने बोला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये खतरे को जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्लिप्स के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खतरा है मेरिडियन के ऊपर। तो अवार्ड ने वादा किया कि हाँ ठीक है, एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो डरवाल ने ये जो नकली नाम फोर्जमैन से यहाँ पर ब्लेज ट्रांसफर करवाया है, वहां तक पहुंच गए अपन। दिस इज द प्लेस, यू होम डरवाल, I got a surprise for you. ये एरेंट पिछले जन्म में दया था क्या? कितने दरवाजे तोड़ता है? Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. तो एरेंट डरवाल को सरप्राइज देने आया था। डरवाल ने यहाँ पे बॉम्ब रख के अपने को सरप्राइज दे दिया। तो ये ब्लेज का ये काम कर रहा है डरवाल, बॉम्ब बनाया इसने। If I try to take it apart, a booby trap will set it off. ऐसा इंतजाम किया डरवाल ने कि अगर बॉम्ब को हटाने की कोशिश करोगे तब भी ये फट जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun as the city goes up in flames. There's got to be a way to stop it. तो नीचे बॉम्ब रखे हुए और ऊपर ब्लेज का कंटेनर है, यानी कि नीचे वाले जो बॉम्ब फटे तो ये ब्लेज का कंटेनर भी फटेगा, क्योंकि ये भी तेल है, और फिर पूरा शहर जल जाएगा। इसको इंस्पेक्ट करने का दे रहा है। It looks like a wooden bracket. Not very strong. तो बॉम्ब को फटने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं अगर इस ब्लेज को बाहर फेंक दिया तो। Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do?
save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. तो नीचे जो बॉम्ब है बस फटने ही वाला है। We did it! Durval's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Durval said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Durval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. तो बॉम्ब फटा लेकिन क्योंकि ब्लेज बाहर फेंक दिया था इसलिए असर कम हुआ और सिर्फ ये छोटा सा वेयर हाउस जला है। और एरन खुश हो रहा था कि चलो डरवाल का हमला टल गया है, लेकिन एलॉय को लग रहा है कि अभी भी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। Boot tracks with just a bit of blaze in them. तो जिन लोगों के जूतों पे ब्लेज के निशान लगे हुए हैं यानी कि वो डरवाल के आदमी होंगे तो इस निशान को फॉलो करना है। अच्छा एलॉय को याद है कि अरसा ने लास्ट टाइम में क्या बोला था कि ये जो पूरा राज्य जलेगा तो डरवाल चाहता है कि अवार्ड इन सब चीज को देखे, तो हो सकता है कि वो पैलेस पे हमला करने गया हो ताकि वो अवार्ड को किडनैप कर पाए। इसलिए एरन को भेज दिया है अवार्ड को बचाने के लिए। और एरन को लग रहा है कि अगर महल पे हमला किया ना डरवाल ने तो वो तो डेफिनेटली मरा। Another one of Durval's hideouts. तो ये ब्लेज वाले जूतों के निशान फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और ये शायद डरवाल का एक अड्डा हो जहाँ वो छुपा हो। This must be where Durval assembled the detonator. He tunneled through the wall. Durval did find a way into the palace. तो डरवाल ने इस दीवार में छेद करके वो यहाँ से होते हुए महल के अंदर चला गया है, यानी कि अवार्ड खतरे में। ये डरवाल शक्ल से विलेन लग रहा है, सही विलेन चुना है भाई सोनी वालों ने। तो चलो ऐसे ऐसे विलेन्स को तो डेली मारती है एलॉय। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि सामने ये जो ब्रिज है यहाँ तक डरवाल गया कैसे। अच्छा सीढ़ी तो दिख रही है, पर सीढ़ी तक ओके मुझे एक दिख रहा है, यहाँ पर कूदेंगे लेकिन नीचे गिर के मैं ओ हो मरूंगा नहीं ना। तो ये पहाड़ में जो चढ़ने का इंतजाम है ना, ये आई थिंक डरवाल ने किया है ताकि वो महल के अंदर पीछे के रास्ते से होते हुए चला जाए। और एरन को ऐसे एलॉय ने भेजा है अवार्ड को बचाने के लिए, मुझे लगता नहीं लेकिन वो रोक पाएगा क्योंकि जानते हो ना डरवाल के पास बहुत ही यूनिक वेपन है। ये आई थिंक मुझे नीचे ही से होके जाना है क्योंकि ऊपर से तो कोई रास्ता दिखा नहीं। हाँ यहाँ से एक रास्ता है। ये सारे मूव्स देख कर ना भाई Assassin's Creed Mirage की याद आ जाती है, ऐसे ऐसे तो उसमें भरे हुए थे। नहीं तो यहां से होते हुए डरवाल और उसके आदमी पैलेस के अंदर गए। Wish I could be there to see the sun god on his knees. मुझे ये डरवाल के लोग आपस में बात कर रहे थे कि काश ये जो नया राजा है अवार्ड इसको हम घुटने पे बैठे हुए देख सकते। तो ये डरवाल और उसके आदमियों को ये नहीं पता है क्या कि ये जो नया राजा है अवार्ड उसी ने अपने बाप को मारा है जिसका बदला ये लोग उसके बेटे से लेने आए। आई थिंक ये पता है लेकिन फिर भी इन लोगों ने माफ नहीं किया है। जो भी, तो हर महल में जानते हो ना एक सीक्रेट रास्ता रहता है ताकि वहां से राजा जब नौबत आए तो भाग पाए, और यही सीक्रेट रास्ते से ये अंदर घुस गया है। Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Carja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Something's wrong.
तो डरवाल भाई साहब बॉम्ब कहां से फूटेगा, पहले ही फट गया है। I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No, it should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. तो डरवाल को जाके रोकेंगे, लेकिन यहां पर जो आदमी पड़े हुए पहले ये सोनिक वेपन को तोड़ के उनको बचाना होगा। Got too much already. तो राजा और एरेंड और राजा के जो गार्ड्स हैं उनकी हालत तो लग रही नहीं कि ये लोग मदद करने की हाल में हैं फिलहाल। तो हमेशा की तरह डरवाल को अकेले जाके संभालना होगा और उसके आदमियों को भी मारना होगा। सही है। What's this? Oh, you must be the Nora who bushwhacked my camp and disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. देखो वेपन अच्छा निकाला है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास आर्मर है ना, टेंशन क्या है? We have a problem. Can we finish this? I've got a sun gun. तो आज ना मैंने आग वाला दो दो मॉडिफिकेशन अपने वेपन में लगा लिया। देखो आग का डैमेज कितना ज्यादा बढ़ चुका है, देखते रहो। Let an army kill kestrels and ravagers, a savage nothing. देखा आग का डैमेज बढ़ाने से कितनी जल्दी हालत खराब हो गई इन लोगों की। डरवाल तो क्या, उसके आदमी को देखते हैं। It's not over yet, Nora. Any good Osaram tinker will tell you. Always have a third plan. तो इसके पास एक प्लान सी भी है। ये क्या किया इसने? ओहो, अच्छा ये ग्लेनथॉक है, इनको मारना और आसान है, जान रहे हो ना। Let's do this. ये ग्लेनथॉक की कमजोरी ऐसे भी आ गया, और आग का डैमेज तो जान ही रहे हो कि कितना बढ़ा लिया है मैंने। I hope you like fighting these things, because there's more on the way. If you can get a machine to do it for you. ये डरवाल मार खा के पड़ा हुआ है, लेकिन बकी जा रहा है कि अगर मशीन से अपना काम करवा पाओ तो खुद मत करो। ठीक है डरवाल, तो पहले तो तेरी मशीन को तोड़ दो, उसके बाद जो तेरी हड्डियां बच गई ना उनका नंबर आएगा। Those majestic, murderous glintbox. अच्छा जब मैं फर्स्ट टाइम मेरिडियन आया था, अभी भी मुझे याद है कि इनको देख के मैं कितना डर गया था कि कितने खतरनाक है, कैसे मारूंगा। अब कितने आसान हो गए। नहीं those majestic murderous twin talks. Now's my chance. डरवाल ऐसा है ना, या तो नई नई लाइंस बोलना स्टार्ट कर या फिर मुंह बंद करके चुपचाप से लेटा रहा है। I hope you like fighting these things, because there's more in the way. ये डरवाल को लगता है बहुत जोर से मैंने सर पे मार दिया है, इसकी एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, मुंह बंद करके लेटे रहे ना। Never do the work if you can get a machine to do it for you. I hope you like fighting these things, because there's more on the way. चलो बस एक लास्ट ही, उसके बाद खेल खत्म है इनका। Ah, those majestic, murderous glinthawks. Do the work if you can get a machine to do it for you.
बावले डरवाल क्या बोले जा रहा था तब से? हो गया ना तेरी मशीन का काम, अब कोई प्लान डी है तेरे पास? क्योंकि सी भी काम किया नहीं। अच्छा, ये अवार्ड को उस टाइम बोल रहा था कि तेरे बाप को मैं मारना चाहता था और तूने मुझसे ये चीज छीन लिया। That was worth it. तो कोई बात नहीं, तू भी तो उसी पागल राजा का बेटा है ना, तो तेरे को मार के मैं काम चला लूंगा। तो डरवाल को एलॉय ने मारा नहीं है, अब पता नहीं एरन मार दे तो अलग बात है, क्योंकि मुझे तो बस बात करने वाला ऑब्जेक्टिव आया कि मेरे को बात करना है। और एरन अभी तो बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो होश में आएगा तो इसको मारना जरूर चाहेगा। चलो फिर जो फटाफट सामान बचे हुए उनको लूट लेते हैं, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव खत्म होता है ना तो कभी कभी सामान गायब हो जाते हैं, तो लूट के फिर इससे बात की जाए। As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Eren, you'll screw it up. I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. एरन बदला लेना चाहता था अपनी बहन का, अरसा के लिए ये डरवाल को मारने जा रहा था, लेकिन फिर आई थिंक इसको अरसा की बात याद आ गई कि बड़े होने का टाइम आ गया है, और इसलिए अवार्ड को देखकर एरन को भी याद आ गया कि अवार्ड ने हुक्म दिया था कि अगर डरवाल को जिंदा पकड़ सको पकड़ लेना, उसको मारने की जरूरत नहीं। और अभी तो वो मतलब निहत्ता ही था, तो इसलिए एरन ने उसको मारा नहीं और बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हें कैद में जाना पसंद नहीं है और अब तुम कैद में रहोगे और सन किंग तुम्हारा इंसाफ करेंगे, तुम्हारे साथ क्या करना है, कितनी सजा देनी है, ये अवार्ड तय करेंगे। और इसलिए ये चीज देखकर अवार्ड भी काफी इंप्रेस हो गए। पर मैं जरा सा भी इंप्रेस नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे खजाने के बॉक्स में ब्लेज क्यों नहीं है? आग वाली तीर, हाँ भाई ऐसे तो मैं खरीद लूंगा जाके मर्चेंट से, और जितने भी फालतू सामान है भाई आज नहीं तो कल वाले एपिसोड में, या तो मैं आपको दिखाने की क्या जरूरत है, फालतू सामान बेचते हुए देखोगे आप लोग, कॉमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है? प्लीज आई नीड अ मोमेंट टू गैदर माय सेल्फ, आई बिलीव एरन वांट्स टू स्पीक टू यू। तो ऐसे तो बात करना है अवार्ड से, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे कुछ पल का समय दो, मुझे खुद को संभालना है और एरन तुमसे बात करना चाहता है, तो ठीक है एरन से पहले बात कर लेते हैं। Aloy, I was just thinking about Ursa. She would have killed Durval on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I got to admit, it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do, right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Durval. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't, because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. तो एरन अपनी बहन को याद कर रहा हूँ, सोचा कि अरसा होती तो वो डेफिनेटली डरवाल को अभी जहाँ पर वो खड़ा होता ना उसको मार देती, और इसलिए वो डरवाल से मिलने गई थी ताकि वो डरवाल को मार पाए। पर मुझे उसकी बात याद आ गई कि उसने बोला था कि मैं बड़ा हो जाऊँ, और ये सुन के मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा था, लेकिन उसने सही बोला था। और बड़े होने का मतलब यही है ना कि जो तुम करना चाहते हो उसको छोड़कर जो जरूरी है करना उसको करो। तो एलॉय बोलने लगी कि ये बात तुम मुझसे पूछो, मैं पक्का यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े हो। तो एरन ने बोला कि हाँ मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं बड़े ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ। तो एलॉय ने बोला कि तुमने सही फैसला लिया और तुम एक अच्छे कैप्टन हो वैनगार्ड के, मतलब ये जो राजा के गार्ड से उसके। तो एरन ने बोला कि अब रुलाओगी क्या, और इतना भी क्रेडिट मत दो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि ये डरवाल की गर्दन तोड़ दूं मैं। तो अब इसको गुड बाय बोलते हैं और अवार्ड से जाके बात करते हैं एक्लिप्स के बारे में। आई होप कि अवार्ड अब तैयार हो बात करने के लिए। Well, I know you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast.
You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Helas and his fanatics are coming from Iridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. ये एरेंड एलॉय को पसंद करता है. स्टार्टिंग में भी लाइन मार रहा था और अभी भी बोल रहा है कि जब मैंने तुमसे पहली बार बात करी थी तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की आउट ऑफ नोवेयर मुझे दिख रही है और इससे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी कोई तोप से कम थोड़ी हूँ. लेकिन अब ये बोल रहा है कि मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे टाइम का एक मिनट भी मुझे मिल गया तो ये मेरी खुशकिस्मती थी. और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मशीन्स को मारना है, मर्डरर्स को पकड़ना है, तो तुम बहुत बिजी हो, पर दुनिया को चेंज करने में ना अपने इस दोस्त एरेंड को भूल मत जाना. तो एलॉय ने बोला कि एक और खतरा मंडरा रहा है और उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है. तो एक्लिप्स से फाइट करने के लिए मदद मांग लिए और एरेंड ने बोला कि वो मदद करेगा. तो चलो अब अवार्ड से बात की जाए और इनको बताया जाए कि चल क्या रहा है दुनिया में. एलॉय, टू से यू हैव माय ग्रेटिट्यूड फील्स वोफुली इनसफिशिएंट. यू सेव्ड माय लाइफ, यू सेव्ड मेरिडियन. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Why? Well... To start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, capable. I could use someone like you at my side. यावाड राजा अच्छा है, लेकिन हंसा तो इतना क्रीपी क्यों लगा? ठीक है, जो भी है, ये तारीफ कर रहा है एलॉय की कि तुमने मेरिडियन को बचा लिया, तुम्हारे बिना हम क्या करते. और एलॉय अभी एक्लिप्स के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन इसने एक प्रपोजल दिया है. ये चाहता है कि एलॉय मेरिडियन में रहे, क्योंकि एलॉय काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफी हिम्मतवर है, और इसलिए ये राजा चाहता है कि ऐसी लड़की मेरिडियन में रहे और मेरिडियन को बचाने में मदद करे. और गेम वालों ने ना मुझे ऑप्शन दिया कि मैं इसको गरिया सकता हूँ कि जैसे अरसा का इस्तेमाल किया वैसे ही मेरा भी इस्तेमाल करोगे, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं नंबर टू नहीं हूँ. ठीक है, लेकिन मैं ऐसी खराब बात क्यों करूंगा, अच्छा ही राजा है. तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, मैं इसको अच्छे समझा देता हूँ कि नहीं, मुझे अपने रास्ते जाना है और बहुत कुछ डिस्कवर करना है. Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for, and it's going to take me far from Meridian. Of course. I didn't mean to presume. You are your own woman, just as Ursa was. But you had something urgent to discuss? तो एलॉय ने इसको अच्छे से समझा दिया कि जिस चीज की तलाश में मैं हूँ ना, ये तलाश मुझे मेरिडियन से बहुत दूर ले जाएगी. ऑब्वियस है, नेक्स्ट पार्ट जान रहे हो ना. और अवार्ड अच्छे से समझ भी गया, बोला कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बता देते कि हीलिस आ रहा है अपनी आर्मी के साथ, तो इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए. हीलिस इज प्रिपेयरिंग टू अटैक मेरिडियन. इट कुड कम एट एनी टाइम. बाय द सन, वेट अ मोमेंट, आई वांट मराड टू हियर दिस. एलॉय, द सन किंग टेल्स मी दैट यू ब्रिंग ग्रेव न्यूज. Please, tell us what you know. Helas commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Alight, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses,
Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. टैलोन ने सब कुछ बता दिया है कि एक पागल आदमी है हिलीज, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आ रहा है जिसका नाम एक्लिप्स है, और ये लोग एक तरह का कल्ट है, और ये लोग एक मशीनी गॉड को फॉलो कर रहे हैं, जो उसको बोल सकते हो बोल लो, उसका नाम हेडीज है, और उसे मेरिडियन पे कब्जा नहीं करना है, उसे स्पायर पे कब्जा करना है, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो वो फिर ऐसा सिग्नल भेजेगा ना कि ऐसी ऐसी एंशिएंट मशीन जिंदा हो जाएगी ना जिनको हम कभी संभाल नहीं पाएंगे, और उसके बाद सिर्फ हम जंग नहीं हारेंगे बल्कि ये पूरी दुनिया ही हार जाएंगे और सबका नाश हो जाएगा। और राजा के खास आदमी जब ब्लेमलेस बराड ने ये न्यूज सुनी तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम आर्मी को भेज सकते हैं स्पायर को बचाने के लिए, लेकिन अवार्ड थोड़ा हिचकिचाने लगा, बोला कि मेरा काम है मेरिडियन को बचाना, तो अगर मैं अपनी पूरी आर्मी को भेज देता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मराड ने एक ऑप्शन दिया कि वैनगार्ड के जो गार्ड्स है ना उनको हम लोग भेज सकते हैं, और अवार्ड ने बोला कि हाँ एरेंड भी तो इसका दोस्त है अलॉय का, तो वो भी उस साथ में चला जाएगा, और अलॉय को जितनी जानकारी थी दुश्मनों के बारे में सब अवार्ड को बता दिया है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है फाइनल मिशन स्टार्ट करने का, लेकिन अभी नहीं, अभी दो काम बचे हुए जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में ही बोला था, उसमें से एक काम करने जा रहे हैं। और जो वैनगार्ड के गार्ड्स को ये ब्लेमलेस पराट बोल रहे हैं कि शांति से ये काम करना होगा, क्योंकि अगर शहर में सबको पता चल गया इतना बड़ा हमला होने वाला है तो सब हड़बड़ा जाएंगे और ये एक अलग फिर परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, आई थिंक याद ही होगा। तो वो ओलिन याद है जो आई थिंक सेकेंड एपिसोड में मिला था, और अगर देखा जाए तो उसी की वजह से रॉस्ट मरा है, क्योंकि उसके फोकस के थ्रू एलॉय को देख लिया था हेडीज ने, और फिर अपनी ये एक्लिप्स आर्मी को भेजा एलॉय को मारने के लिए, और फिर रॉस्ट की जान गई। तो उसको जब एलॉय ने ढूंढा तो एलॉय को पता चल गया कि इसकी फैमिली को किडनैप कर लिया एक्लिप्स ने, और इसीलिए ना चाहते हुए भी ओलिन उनके लिए काम कर रहा है, तो इसलिए एलॉय ने उसको माफ कर दिया और बोला कि तुम्हारे वजह से बहुत जाने गई हैं, तो तुमको अपना रास्ता ठीक करना होगा और इस चीज को सुधारना होगा, और तुम्हें अपनी फैमिली को जाके बचाना होगा, तो इसलिए मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। आई थिंक बहुत एपिसोड हो गए भाई इस चीज को, लेकिन चलो, लेकिन ये सब भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, ओलिन की फैमिली को जहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है ना, वहां पर मैप में आपने देखा होगा कि उस एरिया में मैं एक बार भी गया नहीं हूँ, यानी कि फास्ट ट्रेवल वहां पे अनलॉक नहीं है, और इसीलिए वहां पर पैदल पैदल जाना होगा, या फिर अगर कोई मशीन मिल गई जिसपे बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। ये लिफ्ट आने में एक साल क्यों लग रहा है भाई, कितना नीचे से आ रहा है। मैं कसम से बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं पहाड़ से नीचे कूद के चला आया था। मतलब एलॉय ऐसा कर लेती है, पहाड़ का वो टेढ़ा वाला वहां से चलते हुए कितने बार मैं उतरा हूँ। हाँ, थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन क्या करोगे अब। अच्छा, ये ग्लिच हो गया या हवा से एलॉय के बाल ऊपर चले गए तो नीचे क्यों नहीं आ रही, ये कैसी हवा है। हाँ मतलब ठीक है, एक जगह पे जम गए ऊपर जाके बाल, प्लीज मत बोलना कि ये ग्लिच हो गया है। जब लिफ्ट नीचे रुकेगी ना तब पता चल जाएगा कि ये ग्लिच था या हवा से। चलो हवा तो ऐसे चल रही नहीं है, लेकिन जो भी, हाँ हवा ही है, क्योंकि एलॉय का देखो आर्मर भी पीछे से उड़ गया है। हाँ देखा, हाँ चलो, कुछ ज्यादा ही खतरनाक टाइप की हवा थी, ज्यादा दूर नहीं है, 1000 डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, पैदल पैदल जाना होगा, रात का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। बताओ, यहाँ तो अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, यहाँ दिन में आना चाहिए था। एक बार भी मैं इस एरिया में आया नहीं, कोई मिशन ही नहीं था यहाँ, इसलिए मैं आई थिंक नहीं आया हूँ इधर एक बार भी। जाओ जाओ गार्ड्स, जाके इंतजार करो, एक्लिप्स आर्मी आती ही होगी। अच्छा, ये ओलिन के परिवार को तो बचाना ही है, साथ में ये जो नया राजा है ना अवार्ड, उसका सौतेला भाई है और उसकी सौतेली माँ है बोल सकते हो। हाँ, राजा की दूसरी बीवी थी या तीसरी बीवी थी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अवार्ड की माँ नहीं है वो। तो वो लोग जो शैडो कार्जा के एरिया में है ना, उसके बारे में बात करेंगे। छोड़ो अभी क्या बोलूं मैं, अभी पहले ये वाला मिशन कर ही लेते हैं। अच्छा, रास्ते में एक ब्रॉड हेड मुझे दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, दौड़ के भी पहुंच ही जाएंगे। ब्रॉड हेड को जाओ हैक करो, इससे अच्छा मैं दौड़ ही के पहुंच जाऊंगा। ये कौन सी मशीन है यहाँ पर, ओहो हो मगरमच्छ, इनसे दूर ही रहना है। अच्छा, पूरे गेम में अभी तक मगरमच्छ को एक बार भी मारा है। चलो कोई बात नहीं, ये काम कल कर लेंगे, लास्ट एपिसोड आएगा ना तो उसमें ऐसी ऐसी मशीन्स को मारेंगे जिनको अभी तक नहीं मारा है। एक ही दो मशीन बच गई होंगी, एक ये मगरमच्छ वाली मशीन मुझे याद है जो बची हुई जिसको अभी तक नहीं मारा है, और एक वो जमीन के अंदर जाने वाली क्या तो रॉक हेड समथिंग ऐसा कुछ नाम है।
अच्छा ये जो बड़ी मशीन्स भी है ना, इनको ओवरराइड करने के लिए, हैक करने के लिए और भी कॉल्ड्रन्स में अपन जा सकते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है, क्योंकि जो करप्टेड मशीन है ना, उसको आप लोग जानते हो ना कि हैक नहीं किया जा सकता है, जो करप्टेड लाल टाइप की मशीन रहती है। फिर अगर मेरे पास ओवरड्राइव वाला सिस्टम हो उसके बाद भी नहीं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि जब बड़ी मशीन्स पे बैठ के ट्रैवल ही नहीं कर सकते तो उनको ओवरराइड करके अचार डालेंगे और वो मेरे साथ साथ आते भी नहीं है। कम से कम ये भी होता है ना कि मैं बड़ी मशीन्स को अगर मैं ओवरराइड कर लूंगा तो वो मेरे पीछे पीछे मेरे मिशन तक चलेंगे, तो मैं डेफिनेटली ओवरराइड करता, उसके लिए मेहनत करता, लेकिन जब ट्रैवल भी नहीं कर सकते, मेरे साथ भी नहीं आएंगे, तो मुझे उतना कुछ फायदा दिखा नहीं इस चीज का। लेकिन हाँ, इसका जो नेक्स्ट गेम है, जैसा मैंने कल भी बताया कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फॉरबिडन वेस्ट, उसमें जितनी भी बड़ी मशीन से उस पर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, प्लस की मशीन्स पे बैठ के उड़ भी सकते हैं, मतलब जो उड़ने वाली मशीन से उनके ऊपर ऑब्वियसली। और ग्राफिक्स, अरे भाई साहब, मैंने एक दो वॉलपेपर्स देखे ना, मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि जब ये 2017 का गेम इतना अच्छा है तो आई थिंक ये फॉरबिडन वेस्ट 22 या 21 में आया है, मतलब रिसेंटली आया है, 2-3 साल पहले, तो उसके ग्राफिक्स तो बहुत ही फाड़ू है। अच्छा ये चीज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने शायद मेरी पहली वीडियो डेज गॉन की देखी होगी, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताना। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि डेज गॉन, पता है, यकीन नहीं करोगे, सोनी का एक फ्लॉप गेम है, इसीलिए उसका पार्ट टू कभी नहीं आया। हाँ सोचो, सोनी का फ्लॉप गेम है डेज गॉन, जो कि आपको इतना पसंद आया, मुझे खेलने में इतना पसंद आया और फैंस को भी बहुत पसंद है, लेकिन सोनी के हिसाब से वो उनका फ्लॉप गेम है, इसीलिए उसका पार्ट टू अभी तक नहीं बना। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि सोनी का फ्लॉप गेम इतना अच्छा है तो ये सब तो सोनी के हिट गेम है, होराइजन ये सब। पता है डेज गॉन के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो गेम के क्रिटिक्स है ना, उन्होंने बहुत बुराई कर दी और फिर सोनी ने तय कर लिया कि वो पार्ट टू नहीं बनाएंगे और अभी तक तो नहीं बनाया, इतना टाइम हो गया है। और पता है अगर आप YouTube पे सर्च करोगे डेज गॉन 2 तो ऐसे ऐसे ट्रेलर मिल जाएंगे ना जिनको देखकर अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बोलता है कि भाई पार्ट 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा खुद से, क्योंकि डेज गॉन मुझे भी बहुत पसंद था और जितने भी ट्रेलर है सब नकली है, जो भी डाले हुए हैं, पार्ट 2 का भी कोई उम्मीद नहीं है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए, ओलिन भी यहीं पर इंतजार कर रहा है, तो उससे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उसकी फैमिली को बचाते हैं और ये एक्लिप्स ग्रुप के जो इतने इतने लोग हैं यहाँ पर, इनको पहले मारना होगा। ठीक है, ऐसे तो मैं स्टेल्थ मिशन ज्यादा करता नहीं हूँ, खास करके जब से मेरा लेवल बढ़ गया है, लेकिन ट्राई करते हैं इनको स्टेल्थ में मारने का। इनके एक आदमी ने शायद यहां आते हुए देख लिया, उसको शक हो रहा है, आ ही रहा है, आजा भाई अपनी मौत की तरफ आजा। I know you're out there. Calm. Slaughtered one of us. Why are they shooting at me? ये क्लिप्स ग्रुप का आदमी रोने लगा कि मेरे ऊपर क्यों तीर चला रहे, भाई तेरे ऊपर नहीं चलाऊंगा, बदमाश है ना तू, बारा। ये क्लिप्स ग्रुप है या बावला ग्रुप है, अपने ही लोगों को बॉम्ब फेंक फेंक के मार रहे हैं ये लोग। ये टाइम स्लो करने वाला सिस्टम फाइनली मेरे काम आ ही गया। तो इनका रोना तो थम ही नहीं रहा है, रुक जाओ भाई, 3-4 आदमी अभी भी बचे हुए हो ना, ये लगा क्यों नहीं भाई, ये मैं लकड़ी के बीच में से मारना चाह रहा हूं, ये क्या इनविजिबल दीवार है क्या इसके बीच में। भाई ये बड़ा बेकार चीज है, मतलब लकड़ी के बीच में छेद है, वहां से मैं मारना चाह रहा हूं, लगी नहीं रहती। I lost her.
सोनी ऐसे गेम बहुत अच्छा बनाते, लेकिन देखो ग्लिच तो सबके गेम में रहता है ना, कि लकड़ी के बीच में से मैं नहीं मार सकता। वाह, यू विल नॉट एस्केप। चलो इनको तो मार दिया, अब ओलिन के परिवार को देखते हैं कि वो कहाँ है। और ऐसे तो इनके लीडर ने एक मस्त गन छोड़ दिए मेरे लिए, लेकिन फिलहाल मेरे कोई काम की नहीं है, सब तो मरे गए। तो इनके कैंप में एक ही घर है, तो ओलिन का परिवार इसी घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन दरवाजा खोलने का है नहीं। This has to be where they're holding Olin's family. तो ओलिन की फैमिली मिल गई, चलो उसको बचाया जाए। ये क्या है? अच्छा, यहाँ आई थिंक इस घर की चाबी है। तो चाबी मिल गई, उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है कोई और एंट्रेंस है। Bolted. Come on, come on. चलो बहुत टाइम के बाद ही सही, ओलिन की बीवी और बच्चे को बचा लिया है, इनसे बात करना है, ठीक है? We heard the commotion outside. You're not one of them. Who are you? Don't be afraid. I'm gonna get you out of here. I hadn't given up on hope, but I'd forgotten the taste of it. Is it safe for us to leave? The eclipse won't be stopping you. Then it's over. Just like that. You've ended our bondage, but why? Your husband asked me for help. Come on. He'll be here soon. तो ये ओलिन की वाइफ चौंक रही थी कि इनको मैंने क्यों बचाया, जबकि एलॉय का इनसे कोई लेना देना भी नहीं था। तो एलॉय ने बोला कि तुम्हारे पति ने मुझसे मदद मांगी थी और वो आता ही होगा। तो अब ओलिन से जाके मिलना और उसको बताना है कि देख, तेरी फैमिली को आजाद कर दिया है और अब यहाँ से अच्छे अच्छे काम करना तू, ठीक है? I heard the fighting stop. Olin. You brought him back to us. Thank you. There's no need to thank me. I have much to confess. I accepted a devil's bargain. And others paid the price. And you think I don't know? I heard them talk. You know there's always been dirt on my hands. Now there's blood too. Take your son up in those hands. Come back to the claim with us. You should listen to your wife, Olin. But Helis and his demons. I am honor bound to help you, Aloy. With what little honor a Dysa like me has. Olin, whatever your debts, you don't owe them to me now. Go with your family. Show them you're a better man. Farewell, Aloy. Your mother. I hope you find her before they do. अच्छा, ओलिन को ये बताया था कि एलॉय अपनी माँ को ढूंढ रही है, इसलिए जाते टाइम इसने ये बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी माँ को ढूंढ लो, इससे पहले एक्लिप्स वाले ढूंढ लें। अब इसको क्या बताऊं भाई कि क्या क्या उस टाइम से लेकर अभी तक हो गया है। और ये एलॉय को बोल रहा था कि तुम्हारा मेरी जिंदगी पे एहसान है और तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। तो एलॉय ने बोला कि नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है और मेरा तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं है, और अब तुम जाओ अपने परिवार का ख्याल करो और उनको दिखाओ कि तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। और ओलिन की वाइफ को पता है कि ओलिन ने उनको बचाने के लिए क्या क्या गलत काम करे, और उन्होंने माफ कर दिया, बोला कि अपने बेटे को संभालो और ये जो तुम्हारा गलत काम है इन सबको छोड़ो और हमारे साथ वापस ट्राइब में चलो। तो ठीक है, ओलिन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और इससे पहले हम लोग फाइनल मिशन स्टार्ट करें, एक्लिप्स ग्रुप से फाइट करके हेडीज को खत्म करें। एक और काम बचा हुआ है, शैडो कार्जा, याद है ना, मतलब ये जो हीलीज है या फिर एक्लिप्स ग्रुप है, ये लोग भी आप बोल सकते हो कि शैडो ही कार्जा है, और ये लोग चाह रहे हैं कि मेरिडियन पे फिर से इनका कब्जा हो जाए। और इन्होंने क्या किया है कि राजा का जो एक और बेटा है, जो कि हाफ टिकट वो बच्चा नहीं था, उसको और उसकी माँ को बंदी बना के एक तरह से उनको दिखा रहे हैं ये लोग कि ये जो छोटा बेटा है और ये जो उसकी माँ है, ये दोनों राज्य चला रहे हैं, लेकिन उनको बंदी बना के रखा हुआ है। तो वनाशा जो लड़की है वो चाहती है कि रानी और उसके बेटे को वहां से निकाला जाए, और इसमें एलॉय मदद करे, तो बस वही काम करने जा रहे हैं। और अभी तक मेरा लेवल 28 भी नहीं हुआ, ये दिक्कत है। अभी मत पगला भाई, अभी बहुत काम है, तेरे से भी पंगा लूंगा लेकिन अभी नहीं। ये रॉक ब्रेकर इतना क्या पागल हुए जा रहा है, इसको भी मारेंगे, डेफिनेटली मारेंगे इसको और मगरमच्छ को, गेम खत्म होने से पहले। लेकिन अभी पहले ये वाला मिशन कर लेते हैं।
और जो बनाशा ने अपने कोई आदमी को भेजा है जो उसकी मदद कर रहा है क्वीन के बेटे और क्वीन को निकालने में, उसका नाम है थ्री टो हुआ डिप। अच्छा, इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि इसके पैर में सिर्फ तीन ही नाखून है। जो भी है, अपने को नहीं जानना है भाई, इससे बात करते हैं और पता करते हैं करना क्या है यहाँ पर। Forget about traveling light. You're Three Toe Hwadiv, right? Vanasha sent me. What happened? I got hornswoggled, that's what. Vanasha batted her lashes, wiggled her hips, and promised us treasure. Clear a path for the royals, she said. Sneak past the garrison and skewer a few watches. Hardly a bother. Little did we know there was a damned monstrosity lurking underground. When will I learn not to gawk at skinny girls? तो वनाशा ने इस हुआडी और इसके आदमियों को लालच दिया और अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया इसके सामने और बोला कि बहुत ही आसान रास्ता होगा, लेकिन ये आदमी बता रहा है कि यहाँ पर वो रॉक ब्रेकर है जिसको अभी मैं मारने की नहीं सोच रहा था, तो आगे बढ़ने के लिए उसको मारना ही पड़ेगा। तो चलो, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ नहीं, तो उस रॉक ब्रेकर मशीन ने इसके आदमियों को मार दिया, इसको घायल कर दिया है, तो मुझे अकेले ही मारना पड़ेगा उसको। ठीक है, You're not too bright, are you? Well, we didn't last long against it, but I'll tell you what I know. It has armor everywhere, a little less at the rear. And when it goes underground, it will lose track of you if you're quiet. You might even be able to keep it from going under altogether if you hit its big crooked arms hard enough. That's all I can offer, friend. I promise to look solemn at your funeral before I hit the bar. ये थ्री टोड हुआ डिप तो बड़ा मनहूस आदमी है, बोल रहा है कि तुम लगता है ज्यादा तेज नहीं हो, तुम जाओगे उस मशीन को मारने, कोई नहीं, मैं तुम्हारे फ्यूनरल में पीते हुए नजर आऊंगा। वाह, तो इससे पहले वनाशा क्वीन और उसके बेटे को लेके आ जाए, रास्ता क्लियर करना होगा। okay. तो जैसे इस हुआ डिप ने बताया है, अगर इस रॉक ब्रेकर के मैं पैर को डैमेज कर दूं तो ये जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इतना दूर से मेरा तीर लगेगा, मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा हूँ, इसका भी लेवल 23 है। चलो यहाँ से मारने का ट्राई करते हैं, अगर यहाँ से मार पाए ना तो फिर नीचे जाने की क्या जरूरत है, क्या बोलते हो? एक एक सेकंड के अंदर जमीन के अंदर जा रहा है, ये डेंजरस मशीन है, अगर नीचे जाऊंगा ना मेरी हालत खराब कर देगा। इसको टाइम स्लो करके भी मारा, फिर भी फटाक से निकल गया, इसका एक भी पैर डैमेज नहीं हुआ है। दोनों पंजे अगर टूट गए तो जमीन के नीचे फिर नहीं जाना चाहिए। यहां से लग रहा है कि निशाना सही लगा रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से ना बहुत सारे तीर मिस कर रहे हैं। देखता हूं दो तीन बार और ट्राई करके, मुझे लग रहा है नीचे ही से जाके मारना ज्यादा, मतलब सेफ तो नहीं है लेकिन ज्यादा सही नीचे ही से जाके मारना होगा। ये छोटे तीर से तो इसको ना के बराबर डैमेज हो रहा है, ऊपर से आधे ज्यादा तीर मिस कर रहे हैं। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है भाई, नीचे ही चलते हैं, अगर मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, टेंशन नहीं, अपने पास आर्मर है ना, संभाल ही लेंगे इसको, क्या बोलते हो? बहुत तीर बर्बाद हो रहा है यहाँ से। पर अभी भी एक और प्रॉब्लम है कि इस पहाड़ से नीचे उतरने का कुछ बनाया नहीं है, या मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। डायरेक्ट उतरूंगा तो मरना नहीं चाहिए, इतना डिस्टेंस भी नहीं है, पर मेरा आर्मर टूट जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक तो ये कुछ डैमेज नहीं दे पा रहा है क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज्यादा ऊपर हूँ, तो ये अभी तक पत्थर भी मेरे ऊपर फेंक रहा नहीं है। मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा ना, पत्थर बड़े बड़े पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नहीं फेंक रहा था। अब ना मुझे लग रहा है कि बहुत हो गया, नीचे ही चलते हैं, अगर गिर के मरेंगे तो मरेंगे, मतलब ऐसे ये तो नहीं मारने वाला, मरना मत, मरना मत।
गया ना, आर्मर टूट गया है। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में रिकवर हो जाएगा। भाई 2 सेकंड का सिर्फ टाइम दे दे मेरे को। अब एक ही लेवल पे आ गया ना, अब देखो इसकी बैंड कैसे बजाते हैं। अरे बापरे, तू एक एक सेकंड में नीचे क्या जा रहा है, बाहर ही रहना। नीचे आने के 2 सेकंड में इसकी आधी हेल्थ कर दी है। बस बस, इसका ज्यादा देर का खेल नहीं। ये जहां अपनी मशीन का तेल रखते हैं ना, उसपे 90% तो आग लगा ही दी थी। अगर वो फट गया ना तो ये आई थिंक मरे आएगा। एलॉय का इतना ज्यादा लेवल हो गया ना कि अभी इन सब मशीन्स को मारना उतना टफ नहीं है, बल्कि थंडर जो भी आ जाएगा ना, मुझे लगता है उसको भी एलॉय आराम से मार लेगी। हाँ, 3-4 एक साथ आ जाए तब टफ होगा। इतना मार खा गया, अभी भी जिंदा। इसके दोनों पंजे मैंने उड़ा दिए, 2 और पीछे वाले पंजे भी उड़ाने पड़ते हैं क्या? तेल लेने के, अब तो ऑलमोस्ट मर ही है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जाके उसी 3-2 से बात करना है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि एलॉय पागल हो गई है, जाके मर आएगी इससे फाइट करने में। चलो उससे बात करते, देखते उसका रिएक्शन क्या है। अच्छा, ये चीज है, बड़ी मशीन्स को मारोगे ना तो ग्लेज ये सब भी ज्यादा मिलेगा और लूट भी ज्यादा मिलती है, जिससे पूरा रिकवर हो जाता है सब कुछ। तो फटाफट यहाँ पर लूटते। आई थिंक कि मेरे पास लूट अभी तो मोर देन इनफ है। और ये आज का लास्ट मिशन है। अब ये मिशन जितना भी लंबा चले, इसको पूरा कंप्लीट कर ही देंगे। और अब इसका फाइनल एपिसोड हो सकता है कि बहुत लंबा हो सकता है जो लास्ट मिशन है कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाए। तो जो भी है, कल जो एपिसोड आएगा फ्राइडे को दिन में 3 बजे ट्राई करूंगा मैं। दिन में ऐसे 3 ही बजे आ रहा है आजकल, तो 3 ही बजे मान के चलना। 3 बजे फ्राइडे को लास्ट एपिसोड इसका कल। By the radiant sun, I can't believe it. I thought that evil rock jewel would grind you up. After that miracle, all we can do is wait. Vanasha will be here soon, along with a boat that'll take the royals across the lake. तो इसको यकीन नहीं हो रहा है कि एलॉय ने उसको इतनी आसानी से मार दिया, और वनाशा बोट लेके आती होगी जो कि क्वीन और उसके बेटे को यहाँ से लेकर मेरिडियन जाएगा। अच्छा, वनाशा भी गई। Ah, little huntress. Glad you accepted my invitation to play bodyguard. Where are your manhood, Eve? It looks like something chewed you up and spat you out. That's pretty much exactly what happened. The way is clear. Can we go? I like how you always cut to the chase. In this case, literally. It won't be long before you're followed. Don't be afraid, your radiance. We've got excellent protection. तो वनाशा ने हाफ टिकट राजा को समझा दिया कि टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन है, हम सब मिलके तुमको बचा लेंगे, तुम्हें और तुम्हारी माँ को।
Oh dear. Here come the Shadow Carter, and they're very angry with me. I'll hold them off. Very noble of you, but when I start a fuss, I like to finish it. Not that your assistant isn't welcome. Khadiv, get Itaman and his mother to the shore. Carefully. So it comes to this. I must say, after 2 years under the heel of these zealots, I'm ready to extract a little blood. तो शैडो कार जो एक लोग वनाशा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे और हुआडी रानी और उसके बेटे को लेगी एयरपोर्ट तक, इसलिए एलॉय और वनाशा को रोकना होगा इन लोगों को। Some traps would be nice. ओके, तो वनाशा ट्रैप लगाने बोल रही है और यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है। मेरे पास ट्रैप है, हाँ, आई थिंक है। Shall we prepare a little surprise for them? Just a matter of time. तो भले ही ये ऐसे ट्रैप है कि 2 किलोमीटर से दिख जाए, लेकिन अब क्या करोगे, गेम ने ऐसा ही बनाया ट्रैप को। तो रास्ते में ट्रैप लगा ही दिया है, तो इनको मुझे मारने की जरूरत नहीं, बस छुप के तमाशा देखना है। ये लोग खुद पीछा करते हुए आएंगे और ट्रैप में अगर पैर रखा तो सब मरे आएंगे। Well, that was entertaining, but I suspect we're not done. More of the bastards, get ready. तो ट्रैप से बहुत सारे शैडो कार्ज मर गए, लेकिन उसकी आवाज सुन के और लोग आ गए और इस बार मशीन भी आई है। They're still looking. एक और अच्छा काम हुआ है कि मेरा लेवल 28 भी हो गया। बस बस लेवल 30 तक हो जाए ना, मेरा काम हो जाएगा, फाइनल मिशन मैं कर पाऊंगा। तो ऐसा लग तो रहा है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वनाशा से बात करना है। ठीक है, I don't want to jinx it, but we might be in the clear. A bit late, aren't we, gentlemen? Sorry, ma'am. The boat's waiting. Damn, I spoke too soon. This one's mine. Get to the boat. You know, this time I think I might be out of my league. If anything happens to her, I will be very cross. We're not going anywhere. तो वार्ड ने अपने कुछ गार्ड्स को ही भेज दिया मदद करने के लिए। लोग लेट आए, लेकिन ठीक है। वनाशा को बोल दिया एलॉय ने कि इसको मैं संभाल लूंगी। ओके, ठीक है, इसको संभाल लेंगे। भले इसका लेवल मेरे से ज्यादा है, लेकिन इसको मैं संभाल लूंगा। जल्दी मार सकता हूं। अच्छा, जो गार्ड्स मेरी मदद कर रहे थे, आई थिंक उनका खेल कर दिया है इसने, तो मुझे अकेले ही मारना होगा। देख रहे हो तो इसकी कंपोनेंट्स पे लगता है ना, तो इसकी ज्यादा हेल्थ जाती है।
जो गार्ड्स मदद कर रहे थे वो मरे नहीं है, लेकिन मार खा के कुछ देर के लिए लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद मदद करने आते हैं। भाई तुम लोग आराम ही करते रहो, मैं संभाल लूंगा। एक मिनट, इसके जो मुंह पे गन लगी हुई है ना, उसको तोड़ा जाए। ये पता है बहुत ही अच्छा जगह मिल गया मुझे कवर लेने के लिए। इसके बेस में जो दो गन लगी हुई थी ना, उसमें से एक टूट गई है। मेरा कम से कम अगर 30 या 32 लेवल रहता था तो अभी तक ये मरे आता। अच्छा एक चीज देख रहा हूँ, चल नहीं पा रहा है, पर अचानक से दौड़ेगा देखना। दे तो ये और हालत खराब करता, लेकिन इसको आसानी से मार दिया है। नहीं मर भी जा भाई। अच्छा इसकी एक गन अभी भी बची भी। अच्छा ये वनाशा के मिशन में कुछ ज्यादा ही तगड़ी तगड़ी मशीन्स नहीं थी। हाँ ये मिशन का लेवल 28 था, लेकिन फिर भी no space. तो मेरा मॉडिफिकेशन वाला बैग आई थिंक फुल हो गया है। ये जो थंडरजॉ के पास मॉडिफिकेशन है उसको छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि इसके पास पिंक वाले मॉडिफिकेशंस हैं। तो अपने जो ग्रीन वाले हैं उनको तोड़ देता हूँ, जगह खाली हो जाएगा। तो हॉराइजन जीरो डॉन आप कभी भी खेलना, ये वाला आर्मर जरूर से लेना। अगर ये वाला आर्मर आएगा ना तो आई थिंक इस गेम में सारी फाइट आसानी है, और मुझे लग रहा है कि लास्ट वाली फाइट में भी ये आर्मर बहुत साथ देगा मेरा। और सिर्फ इसमें आर्मर की बात नहीं है, कितना मेडिसिन कलेक्ट करना पड़ता था याद है भाई। बैग हमेशा फुल रखो, हर 2-2 सेकंड में मेडिसिन खत्म हो जाता था, लेकिन इस आर्मर के मिलने के बाद से मेडिसिन ना के बराबर मैं उठाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब कोई मशीन नहीं आनी चाहिए। ये मत बोलना कि अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि दो दो बड़ी बड़ी मशीन्स को मार चुके हैं, प्लस कि एक्लिप्स के लोगों को ही मारा है, तो आई थिंक ये मिशन खत्म ही होने वाला है। That'll keep my stomach quiet. तो वार्ड इतना अच्छा राजा है कि अपने सौतेले भाई और उसकी मॉम को बुलाने के लिए तैयार है अपने राज में, ताकि वो लोग भी अच्छे से रहें। Not exactly a royal barge, is it? Oh well, defectors can't be choosers. Let's get aboard, shall we?
सकते हो एलॉय ना फास्ट ट्रैवल करके 2 सेकंड में पहुंच जाती है। अब इनको मेरिडियन जाने में तो यहां से टाइम ही लगेगा। You've done a good thing. Maybe even ended a war. Maybe. But my war just keeps going. तो वनाशा तारीफ करी थी अलॉय की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और शायद तुमने जंग खत्म करवा दी शैडो कार्जा और कार्जा के बीच में। तो अलॉय ने बोला कि हाँ शायद, लेकिन मेरी जंग कभी खत्म नहीं होती, मेरी जंग हमेशा चलती ही रहती है। Edamon, my brother, welcome home. You have nothing to fear. You are now under the protection of the Sundom. My protection. As is your mother, she will not be harmed. You have my word, Law of the Sun. Aloy, it seems I see your influence everywhere. You've done so much for the Sundom, and it will always be appreciated. You have my thanks. May you walk in the light. तो एवार्ड ने अपने सौतेले भाई इटमेन को बोला कि तुम्हें यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। Appalling. I spent 2 years in the Forbidden West setting this up, and the redhead gets all the credit. I'm still getting paid, right? You'll be lucky if I let you live. I couldn't have done this without you. When we meet again, I'll give you a proper thanks. I promise. ऐसे एवार्ड एलॉय की भी तारीफ कर रहा था कि मैं तुम्हारा इन्फ्लुएंस हर चीज में देख रहा हूँ, इस काम में भी तुमने मदद करी। और वनाशा मजाकी से बोल रही थी कि 2 साल लगा मुझे रानी और उसके बेटे को यहाँ पहुँचाने में, और ये लाल बालों वाली लड़की 1 सेकंड के लिए आई, सारा क्रेडिट इसी को मिल गया। लेकिन फिर जाने से पहले बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगी ना, तो तुम्हारा अच्छे से थैंक यू बोलूंगी। कोई हथियार ही दे देती वनाशा, इतनी मदद करी। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरा लेवल 29 होने वाला है ना, और क्या चाहिए। तो फिल आर्मी आज का एपिसोड बस यहीं तक, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा यानी कि कल, वो इसका फाइनल एपिसोड होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।